हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस हमारे नए वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप लोग सीखेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं, आधार इनरोलमेंट या अपडेट फॉर्म। गाइज, मान लीजिए जिनका आधार कार्ड बनवाना है या चेंजिंग करवाना है, जैसे कि जिनका उम्र देखिए यहाँ पे 0 से लेकर 5 साल के बीच में है, तो उनके लिए ये फॉर्म है। ये फॉर्म आपको मिल जाएगा आधार सेंटर पर, नहीं तो लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से डाउनलोड करके प्रिंट निकलवा सकते हैं। तो इस फॉर्म के थ्रू आप लोग, जैसे कि मान लीजिए जिनका उम्र 0 से 5 साल है, वो नया आधार कार्ड बनवाने के लिए इसका प्रयोग कर सकते हैं। नहीं तो मान लीजिए आधार कार्ड पहले से बना हो और कुछ में कुछ चेंजिंग करवाना हो, उसके लिए भी ये उपयोग कर सकते हैं। तो चलिए, भरने के लिए सबसे पहले हम बताते हैं, जैसे कि मान लीजिए नया आधार कार्ड आपको बनवाना है, आपके बच्चे का बनवाना है 0 से 5 साल जिनका उम्र है, तो यहाँ पर एक नंबर पर टिक कर देना होगा न्यू इनरोलमेंट। उसके बाद देखिए यहाँ पर अगर कुछ चेंजिंग करवाना हो, पहले से आधार बना हो तो अपडेट पे करेंगे, अगर नया बनवा रहे हैं तो अपडेट पे नहीं टिक करेंगे। फिर यहाँ पे देखिए रेजिडेंट इंडियन कर देना है, टिक कर देना है। फिर 3 नंबर में देखिए केस ऑफ अपडेट, अगर मान लीजिए पहले से आधार कार्ड बना है उनका, कुछ अगर चेंजिंग बदलाव कराना है एड्रेस में, नाम में, जेंडर में, कुछ भी में, तो यहाँ पर देखिए सारा ऑप्शन दिया है। यहाँ पर आधार नंबर डाल लेंगे, आधार नंबर डालने के बाद क्या चेंजिंग करवाना है सब कुछ है, जो चेंज करवाना है उस पर टिक कर देना है, जैसे मोबाइल नंबर है, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, नेम, जेंडर, ईमेल, सब कुछ इसमें से जो चेंज करवाना है उस पर टिक कर देना होगा। उसके बाद देखिएगा अगर नहीं करवाना है चेंजिंग, नया बनवा रहे हैं, तो 3 नंबर वाले कॉलम को नहीं भरना होगा, ठीक है। उसके बाद 4 नंबर में देखिए नाम भरना होगा, ठीक है। यहाँ पर प्रूफ ऑफ जो डॉक्यूमेंट होता है नाम, यहाँ पे वही नाम आपके आधार कार्ड पे आएगा, वो नाम यहाँ भरेंगे। फिर देखिए गाइज यहाँ पे 5 नंबर में, बर्थ रजिस्ट्रेशन नंबर, मान लीजिए आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट होगा, तो जिनका मतलब ये 0 से 5 साल वाले उम्र बच्चे का जो बर्थ सर्टिफिकेट होगा उस पर नंबर होगा, बर्थ सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पर डाल देंगे। बर्थ सर्टिफिकेट नंबर डालने के बाद देखिए 6 नंबर पे जेंडर अपना डालेंगे, मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर जो भी हैं यहाँ पे डालेंगे। उसके बाद 7 नंबर में डेट ऑफ बर्थ डालेंगे जो डॉक्यूमेंट पे है, बर्थ सर्टिफिकेट पे है, तो यहाँ पे डेट और मंथ और यहाँ पे ईयर। उसके बाद देखिए गाइज यहाँ पे, उसके बाद गाइज आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं 8 नंबर में, 8 नंबर में हेड ऑफ़ फैमिली के हिसाब से, मान लीजिए 0 से 5 साल का बच्चा है तो उसके पास तो कोई अपना डॉक्यूमेंट नहीं होगा, तो फैमिली के ही हिसाब से आधार बनवाना पड़ेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं मदर का नाम यहाँ डालना होगा, मदर का नाम, फिर यहाँ पे मदर का आधार नंबर इस बॉक्स में डालना होगा, फिर यहाँ पे फादर का नाम और यहाँ पे फादर का आधार नंबर डालना होगा, और उसके साथ ये या तो मदर या तो फादर भी इस बच्चे के साथ आधार सेंटर पर दोनों में से कोई एक अपना ओरिजिनल आधार कार्ड ले कर जाएंगे, ठीक है। अगर मान लीजिए किसी बच्चे का मदर फादर कोई नहीं है, अनाथ है, तो यहाँ पे तो उनके मदर का नाम और आईडी नहीं होगा। यहाँ पे देखिए दिया है इन केस ऑफ वन पेरेंट्स इज नॉट अवेलेबल, रीज़न देना होगा, जैसे कि मान लीजिए कोई माँ बाप में से कोई नहीं है, तो यहाँ पे रीज़न देना होगा क्यों नहीं है, कहाँ है, ठीक है। उसके बाद उनका कोई भी गार्जियन बन सकता है, मदर फादर फादर नहीं है, मदर फादर तो यहाँ पर कोई भी गार्जियन बन सकता है, जैसे भाई हो गया, चाचा, मामा, कोई भी। उसके बाद उसका यहाँ आधार नंबर लगेगा, ठीक है। अगर मदर फादर है तो यहाँ पे दूसरा गार्जियन नहीं लगेगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे दे रहा है डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस में, यहाँ पे दे रहा है क्या डॉक्यूमेंट दे रहे हैं, तो यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ दे रहे हैं, तो यहाँ पे टिक कर देना है, ठीक है। उसके बाद देखिए आपको आना है यहाँ पे नीचे 9 नंबर पर आना है सीधा, यहाँ पर देखिए 9 नंबर पर एड्रेस में आपको भरना है केयर ऑफ में, यहाँ मदर या फादर का नाम भर देंगे जिस बच्चे का आधार बन रहा है। उसके बाद हाउस नंबर भर देना है, उसके बाद लैंडमार्क भर देंगे, फिर वार्ड नंबर भर सकते हैं, उसके बाद विलेज, टाउन, सिटी, जहाँ भी घर है वो यहाँ लिख देंगे, ठीक है। फिर यहाँ डिस्ट्रिक्ट आपको भरना होगा, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट भरने के बाद सब डिस्ट्रिक्ट पता है तो भर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए ईमेल आईडी आपको भर देना है, फिर यहाँ पर मोबाइल नंबर ज़रूर डालें, मोबाइल नंबर यहाँ पर भरने के बाद यहाँ पर रोड का नाम, स्ट्रीट, गली का नाम भर सकते हैं, फिर एरिया, लोकलिटी, अगर कोई सेक्टर है तो यहाँ पे भर सकते हैं, फिर पोस्ट ऑफिस आपको उस भरना ज़रूरी है, पोस्ट ऑफिस जहाँ पड़ता है यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद स्टेट जहाँ पे है लिख सकते हैं, यहाँ स्टेट लिखना होगा, फिर एरिया कोड यानी पिन कोड यहाँ पे भरना ज़रूरी है, ठीक है। ये सब भरने के बाद गाइज देखिए यहाँ पर 10 नंबर में डेमोग्राफिक अपडेट में देखिए गाइज, आप मतलब मान लीजिए अगर कुछ अपडेट करवा रहे हैं डॉक्यूमेंट, तो उसमें क्या आईडी लगा रहे हैं, प्रूफ ऑफ आईडी में क्या लगा रहे हैं और प्रूफ ऑफ एड्रेस में क्या लगा रहे हैं, तो वो यहाँ पे जो आईडी लगा रहे हैं यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नीचे देख सकते हैं, यहाँ पे आप इसको पढ़ सकते हैं,
यहाँ पे जो भी है इसको ध्यानपूर्वक पढ़ लेंगे। फिर यहाँ पे देखिए जो भी आपका जिस इस बच्चे का मान लीजिए जो भी पेरेंट्स है, माँ या बाप, माँ या फादर जो भी है, यहाँ पे सिग्नेचर अपना करेगा, नहीं तो कोई जो गार्जियन है वो यहाँ पे साइन करेगा। फिर इस फॉर्म को लेके वो आधार सेंटर पे ओरिजिनल, वो जो जाएगा साथ में मदर या फादर, वो अपना ओरिजिनल आधार कार्ड लेके और इसी बच्चे का जो आईडी है, डॉक्यूमेंट है, वो ओरिजिनल लेके जाना होगा आधार सेंटर पे, तभी आपका जो है बच्चे का आधार कार्ड बनेगा। ओके गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।